नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरु जी पे। नई शिक्षा नीति 2020 या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको करंट अफेयर सेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है जो कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पत्रिकाओं में और गवर्नमेंट के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो जो आज ये पॉलिसी अनाउंस की गई है 2 दिन पहले, इसके बारे में बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के भविष्य के लिए ऐसी पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के विकास के लिए साथ ही साथ शिक्षा का जो स्तर है देश में उसको एक अलग लेवल पर पहुँचाने के लिए ऐसी नीतियों का भारत में आना बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये बहुत सालों बाद आई है, 30-38 सालों बाद आई है, इसलिए इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। और पहले की बात करो तो 1986 में या फिर उसके पहले ऐसी नीतियाँ बनी थी, और एक लार्ज स्केल पे आप देखो कहीं कोई ऐसी पॉलिसी बनी नहीं थी जो एक लंबे स्तर पे पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत थी। जिसके लिए आप अगर देखो तो इसमें आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, चाहे आप ग्राउंड लेवल की बात करो या फिर जो एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम भारत का है वहाँ से लेके हायर एजुकेशन सिस्टम, सब में एक आमूलचूल परिवर्तन की बात करी गई है इस पॉलिसी में। और एक तरह से एक पॉलिसी डिसीजन भारत सरकार का देखने को मिल रहा है, अभी ये प्रपोज्ड है और इसको जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है या फिर इसको जो पूरे देश में लागू करने की बात है वो 1-2 साल में अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और अगर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट अच्छे से करते हैं तो हमारे देश का जो शिक्षा का स्तर है या फिर जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, उसको हम अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य किस तरह से अगर नई सारी पॉलिसियाँ बनाई गई और उनकी जो क्रिएटिविटी का लेवल है या फिर उनकी जो बेसिक समस्याएं होती हैं प्राइमरी एजुकेशन में, जैसे स्कूल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है या टीचर्स की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, इन सबको ये टैकल करेगी ये पॉलिसी। और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से सरकार करती है तो एक माइलस्टोन माना जा सकता है भारत सरकार की शिक्षा के लिए। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो बेसिक अगर हाईलाइट्स की बात करो आप इसकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलाइट्स इस पॉलिसी की। पहली बात तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब कि ECCE, बच्चों के विकास के लिए जो बेसिक चीज़ होती है सबसे पहले कि उनको पोषण दिया जाए सही तरीके से, उनको अगर प्रॉपर पोषण दिया जाएगा और उसके साथ जो उनको साइन लैंग्वेज इन द सेंस कि ऑडियो विजुअल लैंग्वेज के साथ साथ उन्हें एक तरह से सिम्बॉलिक वे में कैसे समझाया जाए, कापी किताब की जो पढ़ाई होती है उनके तुलना में उनको एक सिंबॉलिक या फिर सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया जाए, जिनसे उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनकी जो इनोवेटिव माइंड की या फिर इनोवेशन है दिमाग की, वो धीरे धीरे एक्सप्लोर करे। बचपन से ही अगर वो इनोवेटिव माइंड्स के होंगे, ब्राइट माइंड्स के होंगे, तो वो आगे चल के भारत के लिए वैज्ञानिक या फिर आप देखो तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अच्छे क्वालिटी के बन पाएंगे, रिसर्च स्कॉलर्स, जो भारत की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ डिस्कवरीज। तो इस हिसाब से आप देखो तो इसका बहुत रेलेवेंस है। दूसरी बात, तो जो नेशनल मिशन की बात करी गई है, ऐसा मिशन जो कि लिटरेसी रेट जो भारत में है उसको बढ़ाए और साथ में लोगों को एक न्यूमेरेसी जो लोगों की है वो उसको बढ़ाए। अब हमारे देश में हमें पता है कि बहुत सारे लोग अपना साइन कर लेते हैं या बेसिक चीज़ें जान जाते हैं, पर उनको उस तरह से अंग्रेजी नहीं आती है या उनको बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ की वो नहीं आते हैं। तो उनको कम से कम बेसिक जानकारियाँ जो इंग्लिश को लेके है या फिर आप देखो तो जो बेसिक लाइफ स्टाइल को लेके है, फ़ोन को लेके है या फिर मोबाइल फ़ोन में आप देखो तो बहुत सारी इंग्लिश की चीज़ें नहीं समझ पाते हैं लोग, इन सारी चीज़ों को अगर आप बेसिक लेवल पे सही करेंगे तो विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। और अगर किसी भी देश के लोग शिक्षित होंगे, बच्चा शिक्षित होगा, युवा शिक्षित होगा या फिर उस समाज में अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो उस देश का विकास होना निश्चित रूप से आप आगे देख सकते हैं। अब दूसरी बात करी गई है, जो हमारा स्ट्रक्चर था 5+3+3 और +4 में चेंज कर दिया गया। पहले क्या था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक पढ़ाई होती थी, उसके बाद से 2 साल के लिए जिसको इंटरमीडिएट आप लोग बोलते हैं या +2 बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर था हमारे स्कूल एजुकेशन को लेकर। अब उसको चेंज कर दिया गया है, उसको 5+3+3+4 में किया गया है। इसमें क्या है, इनिशियली जो आपके 3 साल हैं वो प्री स्कूल के या फिर आंगनवाड़ी जो पढ़ाई होती है उसके करे गए हैं, उसके बाद के आप 2 साल वो फर्स्ट एंड सेकेंड एजुकेशन करे गए हैं। और ये बेसिकली जो होगा एक तरह से सिंबॉलिक होगा और इसमें ज़्यादातर क्रिएटिविटी की बात करी जाएगी, कॉपी किताब वाली पढ़ाई की बात कम की जाएगी। इस तरह से आप देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई हैं, जेंडर की बात करी गई है, KGVV की बात करी गई है और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगली बात जो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो है एम्फेसिस ऑफ मदर टंग टिल क्लास 5, मतलब कक्षा 5 तक के बच्चों को उनकी जो मदर टंग है उसमें उनको पढ़ाई करी जाएगी या फिर आप देखो तो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है
उसका उनको एक तरह से एम्फेसाइज करा जाएगा। अब देखो तो हम हमारे यहाँ कोई भी लैंग्वेज, अगर मान लो कोई बच्चा राजस्थान का है, उसको राजस्थानी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज है उसकी, पर उसको पढ़ाई इंग्लिश में करी जाती है, तो उसको उस तरह से क्रिएटिविटी उसकी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि घर पे जो उसको शिक्षा मिलती है वो उसको उसके लोकल लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में मिलती है। अब मान लो मैं यूपी से आता हूँ, मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, पर मुझे बेसिक्स जो पढ़ाया जा रहा है वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो मेरी क्रिएटिविटी या मेरी इनोवेशन जो है उस पर थोड़ा असर पड़ता है। तो इस तरह से चीज़ों को बल दिया गया है कि नेटिव लैंग्वेज में इंफेसिस किया जाए क्लास 5th तक, मतलब इंग्लिश पे थोड़ा जोर कम करके थोड़ा सा नेटिव लैंग्वेज पे जोर ज़्यादा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लास 2 तक की जाए, कि मतलब कि कोई एक्टिविटी कराई जाए जिससे उनको सिखाया जाए, जैसे कि आप प्ले एक्टिविटी कोई भी आप करा सकते, कंडक्ट करा सकते हैं, और इस तरह से बेस्ड जो सिम्बॉलिक लर्निंग स्किल्स हैं वो कराई जाए। इसके बाद अगर आप बात करो तो इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन क्लासेस 3 टू 5, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लास 3 से 5 के बीच में उनको कराया जाए, कि कौन सी मतलब बेसिक्स हैं, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, काउंटिंग हो गया, ये सब चीज़ें उनको बाद में कराई जाए। जो इनिशियल स्टेज है उनको चीज़ें सिखाई जाए कि इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, और बेसिक्स कैसे होती हैं, तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि कोडिंग एंड इंटर्नशिप इन क्लास 6, मतलब क्लास 6 में अब बहुत सारे इंटर्नशिप की बात करी गई है। अब मान लो कोई बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेता है तो वो पढ़ाई करता है कॉलेज में, स्कूल में इन द सेंस, तो वो कभी कभी उसको ऐसा मौका दिया जाएगा कि कहीं पे जाके वो कोई काम देखे और थोड़ा बहुत सीखने को मौका मिले। जैसे आप मान लो कोई पेंटर के पास लेके चले गए, या फिर आप देखो तो कोई मतलब कोई भी ऐसा काम जो समाज में होता है जो उसको सिखाया जा सकता है, कि अगर आप उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसमें मैच करता है तो वहाँ पे जा सकता है। तो इस तरह से जो स्यूडोनेस है कि हर एक काम सबके लिए नहीं होता है, उसको खत्म किया जा रहा है कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है, उसकी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। इस तरह से आप देखो तो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है भारत में वो धीरे धीरे कम होगा, कि बहुत सारे लोग इस काम को करने में शर्म महसूस करते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो एक तरह से एरिया है वो इसको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि उनका सोसाइटी जो है उसको अलाउ नहीं कर सकता है। इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर की बात करी गई है क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार से। अब हायर एजुकेशन की अगर आप बात करो तो हायर एजुकेशन में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। पहला तो यह है कि इंक्रीज GER इन हायर एजुकेशन, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं तक पढ़ाई करते हैं प्लस वो कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप देखो तो भारत में एक बहुत लंबा परसेंटेज है जो बहुत सारे लोग 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं या उनकी सोसाइटी उन्हें अलाउ नहीं करती ऐसे पढ़ाने के लिए। लोग कहते हैं कि अब पैसे कमाना आप स्टार्ट कर दो। तो इस रेट को भारत सरकार ने बढ़ाने के लिए अभी इस टाइम देखो तो भारत में 26% के आसपास भारत में GER रेट है, कि मतलब 12वीं के बाद लोग इतने परसेंट लोग ही एनरोलमेंट ग्रेजुएशन के लिए करा पाते हैं, क्योंकि उनको सोशल चैलेंजेस होती हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस होती हैं उनको। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है, और इस पे भारत सरकार एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर चुकी है। इसके बाद अगर बात करो तो होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब कि एक जो ओरिएंटेड एजुकेशन है किसी खास सब्जेक्ट को लेके, उसको छोड़ के अगर कोई बच्चा और किसी फील्ड में इंटरेस्ट रखता है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखता है तो वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकता है। एक तरह से उस जो उसका एजुकेशन सिस्टम है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी या बहुविषयक बनाया जाएगा, जिससे अगर मान लो मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ और मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं वहाँ से भी पढ़ाई कर सकता हूँ, और अगर मान लो मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं भी उसकी भी पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर बनाया गया है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो शिक्षा का बजट है उसको 6% कर दिया गया है, जो कि पहले 4% के अप्रॉक्स था, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है हमारी GDP का कि 6% हम शिक्षा पर अपने खर्च करने जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है, क्योंकि आप 2% का इंक्रीज कर रहे हैं, जो एक तरह से देखो तो लाखों करोड़ के आसपास माना जाता है, भारत की GDP इतनी बड़ी है उस हिसाब से। और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करी गई यहाँ पे। रेगुलेटिंग बॉडी की बात करी गई है कि शिक्षा का जो तंत्र है उसको सुधारा जाएगा, और UGC को चेंज करके कुछ और बॉडीज़ बनाई जाएंगी, और बहुत सारी जैसे आप देखो तो मेडिकल की अलग बॉडी है, एम्स है, या फिर UGC अलग है, और सारी जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे नीट का अलग एग्ज़ाम होता है, और JEE का या फिर BTEC के लिए एंट्रेंस का अलग एग्ज़ाम होता है, IITs का अलग एग्ज़ाम होता है, और कॉलेज के एडमिशन का अलग एग्ज़ाम होता है। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर नेशनल इंट्रेंस टेस्ट कराने की बात करी गई है, और वो कॉमन लेवल पे कराया जाएगा, जिससे भारत में यूनिफॉर्मिटी देखने को आप मिल सकती है या ट्रांसपेरेंसी भी आप देखने को पा सकते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। अब टेक्निकल एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है इस पॉलिसी में, और इसके अलावा आप देखो तो बच्चों के लिए हर एक प्रकार की एजुकेशन
जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को उनको बढ़ाती है, या उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, एक तरह से क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, इसको बढ़ाने के लिए बात करी गई इस पॉलिसी में। और बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस हैं यहाँ पे, जो जैसे कि आप देखो तो एग्जिट विंडो का ऑप्शन दिया गया है कि मान लो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराते हैं और आपका 1 साल बाद पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आपका वो 1 साल बर्बाद नहीं होगा, उसको एक सर्टिफिकेट के रूप में ये पॉलिसी आपको दे सकती है। जैसे कि आपने 1 साल ग्रेजुएशन के, बीएससी के या फिर बीए के एडमिशन लिए, तो पहले साल बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आपने 2 साल बाद ड्रॉप आउट करा तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपको 3 साल बाद ड्रॉप आउट करा तो आपको डिग्री मिलेगी, और इस तरह से पॉलिसी करी गई है। इसके अलावा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करिए। इसके अलावा बात करो आप तो बच्चों के लिए, आप देखो तो ये पैटर्न था पहले, मैंने यहाँ पे पहले बता दिया है कि पहले 10 ईयर्स का एक पैटर्न था क्लास 1 टू 10 तक, फिर उसमें 2 ईयर्स जो +2 के एजुकेशन पर जाती थी, लेकिन अब क्या करा गया है इसमें, पहले जो 3 ईयर्स हैं या फिर आंगनवाड़ी या प्री स्कूलर्स या फिर आप देखो तो प्री स्कूल वाले बच्चों को, उनके दिए जाएंगे 3 साल फाउंडेशन जिसको बोलते हैं आप, अगले 2 साल इनके फर्स्ट और सेकेंड ईयर इसको भी फाउंडेशन में बेस किया जाएगा, और वहाँ पर थोड़ी सी उनको और क्यूरियोसिटी या फिर क्रिएटिविटी सिखाई जाएगी, जो बचपन से ही बच्चों के माइंड में, आप देख जो तो 6 साल तक बच्चे का विकास जो है वो मोस्टली 80 से 85% उसका दिमाग विकसित हो जाता है, तो इसकी बात इसमें करी गई है। और भी बहुत सारे बेसिक्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रिपरेटरी स्टेज पे आप देखो तो प्ले एक्टिविटीज, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, मतलब जैसे क्लास में बच्चे से इंटरेक्टिव लर्निंग कराई जाएगी और उससे जानकारियाँ हासिल उसको होंगी आसानी से। और मिडिल स्टेज में आप देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग उनको मिलेगी, और साइंसेस की, मैथमेटिक्स की, सोशल साइंसेस की और ह्यूमैनिटीज़ की, इन सारी पढ़ाइयों पर जोर दिया गया है। और मेन चीज़ जो क्लास 9 से 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए ऑप्शन रखा गया है कि मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप आर्ट्स एंड कल्चर में भी पढ़ सकते हो, आपको इंटरेस्ट है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में CBCS का ऑप्शन होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो वो उसको यहाँ पे स्कूल लेवल पर भी इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई है, और एजुकेशन का जो है सेंट्रलाइजेशन करने की बात करी गई है। इससे जो बोर्ड्स हैं उन पर लोड थोड़ा कम होगा, और एग्ज़ाम्स जो हैं वो साल में 2 बार कंडक्ट कराने की बात करी है। अब जैसे क्या है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो बोर्ड से बहुत डरते हैं, बोर्ड्स एग्जाम से, तो उसका एक हवा बना रहता है हमेशा से, तो उसको स्ट्रेस फ्री करने के लिए साल में 2 बार एग्ज़ाम कराने की बात करी गई है, जैसे कि इस टाइम पे IIT में हो रहा है या फिर NDA के एग्ज़ाम 2 बार होते हैं, तो इन चीज़ों को कम टैकल करने के लिए ऐसी चीज़ें करी गई हैं सरकार द्वारा। कुल मिला जुला के बच्चों के विकास के लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव हैं, और इनका आप लार्जेस्ट स्केल पे देखो 2030 के बाद से आपको इसका एक लार्ज स्केल बेनिफिट आपको दिखाई देगा, जो भारत ही नहीं, भारत के जो अन्य देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके लिए भी इंस्पिरेशन साबित हो सकता है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और हमारे यहाँ बच्चों की जो संख्या है शिक्षा में जुड़े वो बहुत ज़्यादा है, तो एक तरह से इंस्पिरेशन का काम कर सकता है अन्य लिए। अब हम एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मतलब कि जो बच्चा होता है शुरू शुरू में उसको जो पढ़ाई दी जाती है वो लर्निंग इन द फॉर्मेटिव ईयर्स, उनको कैसी पढ़ाई की जाए जिससे उनका विकास धीरे धीरे और संकीर्ण ना होके, संकुचित ना होके, एक व्यापक और विस्तृत विकास उनका हो सके, मतलब उनका सामाजिक विकास भी हो सके, उनका आध्यात्मिक विकास भी हो सके, सांस्कृतिक विकास भी हो सके, और साथ ही साथ बौद्धिक विकास भी उनका अच्छे तरीके से हो सके, इसकी बात करी गई है। जैसे कि इसमें दिखाया गया कि बच्चे का दिमाग का जो लेवल है उसमें क्यूरियोसिटी को डेवलप करा जाएगा, इसमें लॉजिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कराया जाएगा इसमें। इसके अलावा देखो तो आप आर्ट्स, क्राफ्ट एंड म्यूजिक की बात करी गई है, इसको डेवलपमेंट, इसमें थोड़ा जो विकास है इसको जोर देने की बात करी गई है। कलर, शेप्स, अल्फाबेट और नंबर्स, इसको बढ़ाने की बात, मतलब उनको सीखने की जो क्षमता है आसानी से इसको बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा टीम वर्क, कोलाब्रेशन, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। और बात करी गई है प्ले बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, मतलब कि उनको खेल के माध्यम से पढ़ाई करना, और कैसे आप डिस्कवरीज कर सकते हैं उनके बारे में, एथिक्स के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में पढ़ाई की बात। और सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब कि अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोचना, और व्यक्तित्व की या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करी गई है। एटिक्यूटिव बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब कि उनका जो रिस्पॉन्स है सोसाइटी को लेके या बिहेवियर कैसा रहता है उनका, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह आप देखो तो भारत में संपूर्ण और समग्र विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी पॉलिसी बनाई गई है, इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो भारत के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी ये साबित हो सकती है। अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए तथा इस चैनल को द अर्बन गुरु जी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे वीडियोज़ को शेयर करते हैं तो उन छात्रों का भी भला होता है जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं,
शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर उनको जो उनके ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखो, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।